नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 7b माइनस 1/4b इज इक्वल टू 7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 16b² प्लस 1/49b². देखिए हमें ये वैल्यू गिवन है और ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हम गिवन वैल्यू का स्क्वेयर करें तो 7b का स्क्वेयर क्या रहेगा, 49b², ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं न्यूमिनेटर में यहाँ पे 16b है, 16b² है, तो 16b² है, तो 7b की जगह हमें क्या करना पड़ेगा जिससे 16b² आए, तो 7b की जगह हमें करना पड़ेगा 4b, ठीक है। वैल्यू क्या गिवन है, 7b माइनस 1/4b इज इक्वल टू 7। हमें इस 7 की जगह 4 करना है, तो मैं क्या करूँगा, 7 को हटाने के लिए 7 से डिवाइड करूँगा और 4 लेके आने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, यानी 4/7 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 4/7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 4b माइनस, फिर इस 4/7 को 1/4b से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/7b, और इक्वल के बाद क्या है राइट हैंड साइड में 7, तो 4/7 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 7 से 7 कैंसिल, बचा क्या 4, तो जो न्यू गिवन वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दोनों तरफ स्क्वेयर कर दो, यानी 4b माइनस 1/7b का होल स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वेयर। तो क्या आएगा, a माइनस b का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वेयर यानी 4b का स्क्वेयर कितना आ जाएगा, 16b² प्लस 1/7b का स्क्वेयर कितना आ जाएगा, 1/49b², ठीक है, माइनस ट्वाइस ऑफ 4b इंटू 1/7b, ठीक है, इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो ये जो टर्म है इसकी तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो ये तो वैल्यू एज इट इज रहेगी, ठीक है, यानी ये रहेगी 16b² प्लस 1/49b², ठीक है। यहाँ से b कैंसिल, 2 इंटू 4 8, 8/7 माइनस का है, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, यानी 16 प्लस 8/7, तो 16 सत्ते 112, अगर मैं एलसीएम लूंगा, प्लस 8 डिनोमिनेटर में 7 आ जाएगा, तो कितना हो गया, 112 प्लस 8 120/7, ठीक है। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो सही आंसर है।